इस लेक्चर में हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम सेल का इंट्रोडक्शन करेंगे, सेल वॉल के बारे में और सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं सेल का इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने खोजा? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन बस वॉन ने दिया था। कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप किसने दिया था? रोडोल्फ विर्चो ने दिया था। ओमनिस सेलुल ई सेलुला कथन किसने दिया था? ये भी रोडोल्फ विर्चो ने दिया था। उन्होंने कहा था कि पूर्व में से जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से नई कोशिकाएं बनती हैं। कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं का मुख्य चित्र क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य। कौन सा झिल्ली रहित कोशिकांग प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है, मतलब नॉन मेम्ब्रेनस जो होता है कोशिकांग वो है राइबोसोम। सर्वप्रथम किसने बताया कि कोशिकाओं में विभाजन होता है तथा नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होता है? ये रोडोल्फ विर्चो ने, यह भी मैंने बताया था आपको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा प्रोमेनिस सेलुल ई सेलुल ये पूछा जाता है। कौन सा झिल्ली रहित कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में मदद करता है परंतु ये प्लांट कोशिकाओं में नहीं मिलता? ये होता है तारक केंद्र, सेंट्रियोल। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जीवद्रव्य के कक्षक युक्त होने कंपार्टमेंट होते हैं उसमें, तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होती है? उसके लिए होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स टाइप कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैं सीधा इनको एक पॉइंट वाइज बता देता हूँ आपको, ये बोल दूंगा कि कहाँ पे मैं फिल इन द ब्लैंक्स था। कुछ जीव एकल कोशिकाओं में बने होते हैं और उन्हें यूनिसेल्युलर जीव कहते हैं, जबकि दूसरे जीव कई कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें मल्टी सेल्युलर जीव कहते हैं। यहाँ यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर इनके लिए फिल इन द ब्लैंक्स का था। जो स्वान एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। ये उन्होंने कब बताया था? 1839। थियोडोर स्वान नाम था इनका जिन्होंने बताया था ये। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकेरियोटिक, पर जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। सबसे बड़ी पृथककृत स्वतंत्र कोशिका, मतलब जो लार्जेस्ट सेल है सबसे बड़ी, वो कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो। और ट्रू फॉल्स के बारे में कुछ देख लेते हैं हम। कोशिकाओं के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता है, या कोशिकाओं की पूर्ण संरचना से कम कोई भी संरचना स्वतंत्र अस्तित्व को सुनिश्चित नहीं कर सकती है। यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनेल के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कोशिका सेल की होती है खुद के लिए, मतलब इंडिपेंडेंट जीवन जीने के लिए, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंटली जीवन नहीं जी सकते हैं। पैरासाइट फॉर्म में होते हैं जैसे वायरसेस वगैरह, बाहर किसी भी सेल से बाहर ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। कोशिका सजीवों का आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, ये सही बात है। कोशिका के जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं कोशिका द्रव्य में संपन्न होती हैं। सभी जीवित जीव एक कोशिकीय भित्ति रखते हैं जो कोशिका झिल्ली को घेरे रहती है, ये गलत बात है। सभी नहीं रखते हैं, जैसे प्लांट वगैरह कोशिका सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं रखते हैं, प्लांट्स वगैरह रखते हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं समान आकार रखती हैं, ये भी गलत है क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, उनके जो फंक्शंस के बेस पर उनका शेप साइज अलग अलग हो सकते हैं। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है, ये बात। अब हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल मिडिल लैमिला मुख्यतः जो मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेल वॉल मिडिल लैमिला की बनी होती है। मिडिल लैमिला जो होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है मुख्यतः। शैवालों के अतिरिक्त अन्य पदार्थों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यानी कि शैवालों को छोड़कर बाकी सब पदार्थों की जो होती है सेल वॉल वो किसकी बनी होती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कोशिका भित्ति एक मध्य पटलिका में प्लाज्मोडेस्मेट आड़े तिरछे रूप में स्थित रहते हैं जो आसपास की कोशिकाओं को कोशिका द्रव्य को जोड़ने का काम करते हैं। नई पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में स्थित प्राइमरी वॉल में वृद्धि की क्षमता होती है। प्राथमिक भित्ति कोशिका परिपक्वता के साथ घटती जाती है व इसके साथ कोशिकाओं के भीतर की तरफ सेकेंडरी वॉल का निर्माण होने लगता है। कोशिका भित्ति कोशिकाओं के केवल आकार ही प्रदान नहीं करती बल्कि यांत्रिक हानियों और संक्रमण से भी रक्षा करती है। कोशिका की परिपक्वता के समय कोशिकाओं के भीतर की तरफ झिल्लियों की ओर द्वितीयक भित्ति का निर्माण होने लगता है। मध्य पटलिका
जंतुओं के आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए या पकड़े रहने का काम करती है, तो ये गलत बात है, ये इसका ये कोई काम नहीं है ऐसा। कोशिका भित्ति एक सजीव अर्धतलीय संरचना है अथवा निर्जीव अर्धतलीय संरचना है, या कंप्लीटली ये डेड निर्जीव होती है, ये कंप्लीटली निर्जीव होती है। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और जो अपनी सेल वॉल होती है वो प्लांट्स में होती है, अपने वो फंगस वगैरह में होती है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था? सबसे पहला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में। सोडियम पोटेशियम पंप उदाहरण है का एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, सक्रिय परिवहन का। झिल्ली के अंदर प्रोटीनों की गति करने की क्षमता को किस रूप में मापा या दर्शाया जाता है? ये तरलता के रूप में, फ्लूइडिटी के रूप में। विसरण के द्वारा जल का झिल्ली के आर पार गमन कहलाता है, ये ऑस्मोसिस कहलाता है। कोशिका झिल्ली का विस्तृत अध्ययन किस वर्ष के बाद संभव हुआ था? 1950 के बाद संभव हुआ था, क्योंकि उसके बाद में अपना जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसका पहले रिसर्च हो गई थी उसकी, है ना, उसको सर उसके बाद में हुआ था। कोशिका झिल्ली में लिपिड किस रूप में व्यवस्थित होते हैं? ये दो स्तरीय बायलेयर के रूप में होते हैं। मनुष्य की आरबीसीज की झिल्ली में लिपिड का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ये 40% होता है, और प्रोटीन होता है 52% के लगभग। कोशिका झिल्ली का मुख्य लिपिड घटक होता है ये फॉस्फोग्लिसराइड होता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन के अंतर्वेशी या परिधीय रूप में वर्गीकरण का आधार है, विलवण या पृथक्करण की आसानी। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसमें तरल कृमि नमूना। जो फ्लूइड मॉडल मॉडल था उसके अनुसार लिपिड की अर्धतलीय प्रकृति के कारण इसकी दो सतह में प्रोटीन पारस्परिक गति करते रहते हैं। झिल्ली के पर अणुओं का परिवहन बिना किसी ऊर्जा की आवश्यकता के होना इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, निष्क्रिय परिवहन कहलाता है। नेचुरल सॉल्यूशन या न्यूट्रल सॉल्यूशन उदासीन विलेय के न्यूट्रल सॉल्यूट होते हैं, उदासीन विलेय कि झिल्ली के पार गति सिंपल डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा होती है, ये सिंपल डिफ्यूजन से होता है इसमें। और उसके बाद में जो है जो पोलर मॉलिक्यूल्स अध्रुवीय लिपिड द्वि सतह से होकर नहीं जा सकते, अतः उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन करने के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन्स कोरियर प्रोटीन्स इनकी आवश्यकता होती है। पुष्कर झिल्ली की तरलीय प्रकृति सहायक होती है, किस किस चीज़ में सहायक होती है ये हम डिस्कस करते हैं। अंतर्वोष के संयोजन का निर्माण करने में, कोशिका वृद्धि में होती है, कोशिका विभाजन और विखंडन में सहायक होती है, और स्रवण में सहायक होती है। इसका डीएनए प्रतिकृतीकरण से कोई मतलब नहीं है, राइबोसोम के सिंथेसिस से भी कोई रोल नहीं है इसका। सभी कोशिका झिल्लियों में प्रोटीन और लिपिड का अनुपात समान होता है, तो ये गलत बात है, अभी अपन ने देखा है अलग अलग होता है। अंगभूत प्रोटीन या अंतर्वेशीय प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धंसे हुए होते हैं, जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो हाँ कंप्लीटली भी हो सकते हैं और इनकम्प्लीट तरीके से भी। लिपिड झिल्ली मैं इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनका ध्रुवीय सिरा अंदर की ओर होता है, तो ये गलत बात, ध्रुवीय सिरा जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, हेड जो होता है बाहर की तरफ होती है और टेल अंदर की तरफ होता है। ठीक है, हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, और हम इसके अगले पार्ट में हम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी और इन इस तरीके के जो लाइसोसोम वैक्यूल्स वगैरह जो भी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट वगैरह वैक्यूल टाइप। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।